इधर अमेठी में निष्पक्ष चुनाव और नेताओं के खिलाफ शिकायत पर चुप्पी तोड़ने की मांग को लेकर के कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग पहुंचा है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी की शिकायत पर कार्रवाई होगी या नहीं, उम्मीदवार या नेता की गलती है या नहीं, इस पर चुनाव आयोग चुप्पी साधने की बजाय जवाब दे। प्रतिनिधिमंडल ने हर बूथ पर ईवीएम संख्या नंबर की मांग की ताकि गिनती के समय मिलान हो सके, साथ में खराब और रिप्लेस ईवीएम की भी जानकारी दी जाए। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अमेठी में विशेष तंत्र और विख्यात स्पेशल ऑब्जर्वर रखने की मांग की। हमने मुख्य रूप से 5 प्रश्न उठाए और उनको बहुत सहानुभूतिपूर्वक सुना जरूर है और हम आशा करते हैं कि तुरंत एक्शन लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये कि हमारी याचिका के आधार पर जो 1 से 5 गुना बढ़ा दिया गया ऑटो चेक VVPAT का, आपको याद है हमारी याचिका के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने एक ऑटो चेक एक SFT सेगमेंट से लेके 5 कर दिया। हमने आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया वो ये है कि इस चुनाव में अगर चुनाव आयोग के इंटरनल ऑटो चेक पे अमुक स्थान पर 5ों या 5 में से 4 या 5 में से 3 जगह उनको खुद को अपने ऑटो चेक के आधार पर गलतियां मिलती हैं, गैरकानूनी चीज़ें मिलती हैं, तो उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा वो उनके किसी नियम में किसी रूल में आधारित और प्रकाशित नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपने उच्चतम न्यायालय के रूल को कार्यान्वित करते दौरान गलतियां पाई तो आप गलतियां नोट कर लेंगे और उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो हमने ये मांगा है कि तुरंत इस ओमिशन को, इस गैप को, इस वैक्यूम को ठीक किया जाए और नियम में स्पष्ट लिखा जाए कि या तो उस कैंडिडेट का इलेक्शन या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन वापस होगा, काउंटरमांड होगा या इत्यादि इत्यादि। आज कुछ भी